एवरीवन, चलिए देखते हैं आज का क्या परफॉर्मेंस रहा निफ्टी के लेवल्स। और जो आज के लिए 6 स्टॉक्स थे उन्हें किस तरीके से हमें ट्रेड मिले और हम लोगों ने सही समय पर एंट्री लेकर के एग्जिट ली और एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट हम लोगों ने बुक किया। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में एक अपडाउन ओपनिंग हुई, देन बीच में कुछ बाउंसेस मिले, देन उसके बाद निफ्टी ने गिव अप किया और देन उसके बाद फिर से जो है फिलहाल की जो क्लोजिंग है वो जो सपोर्ट लेवल था 535 का उसके ऊपर क्लोजिंग हुई, बट आफ्टर क्लोजिंग जो है उसके नीचे फिलहाल के लिए वेट कर रहा हूँ। कल इसके ऊपर सपोर्ट लेता है या इसी को रिटेस्ट करके रिजेक्शन लेके नीचे कंटिन्यूएशन होता है वो वॉच आउट करेंगे और लेवल टू लेवल पे करके अपना इंडेक्स को शॉर्ट एंड लॉन्ग करेंगे। ओके, तो देखते हैं आज के लिए जो स्टॉक्स दिए थे उनमें किस तरीके का परफॉर्मेंस मिला, क्या अपॉर्चुनिटीज मिली। तो पहला था कॉलकार, कोलकाता में फ्लैट ओपनिंग हुई, अच्छा मूवमेंट मिला। जिन लोगों ने एंट्री की होगी उन लोगों को अच्छा मूवमेंट मिला है 23 से लेकर के 50 तक का लेवल, तो अराउंड 27 पॉइंट्स का मूव मिला। जिन लोगों ने प्ले किया होगा लेवल टू लेवल और लोगों ने सही समय पर एंट्री की होगी और एग्जिट ले लिया होगा। ऑलराइट, अगला था बी एस सी में कोई ट्रेड नहीं बना क्योंकि गैप अप हुआ था और सेम लेवल से रिजेक्शन मिला। जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया वो कन्फर्मेशन लेने के बाद उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी शॉर्ट करने की। इसके लिए ज़रूरी है थोड़ा सा ट्रेडिंग सीखना, इसलिए मैं कहता हूँ जो कोर्स उसमें एनरोल कीजिए ताकि सही समय पर एंट्री ले और कंफर्म कर सकें कि किस डायरेक्शन में जाएगा, किस तरफ की ट्रांजेक्शन बन रहा है, किस तरीके का ट्रेड हमें मिलेगा, सही एंट्री पॉइंट्स, सही एग्जिट पॉइंट्स। अगला था LTI लाथन डब्लू इन्फोटेक। तो यहाँ पर हल्का तो गैप अप बुकिंग हुआ था लेकिन वहाँ से सोल्ड इंट्रू होगा तो फिलहाल इस स्टॉक में कोई ट्रेंड नहीं बना और जो उसका स्विंग वैल्यू था उसी के नीचे से क्लोजिंग लिए जो 4213 का लेवल था। फिलहाल पे वॉचआउट करना होगा कि 4217 पे सॉरी 4174 का सपोर्ट लेता है या फिर उसको ब्रेक डाउन करता है। अगला जो था वो है मदर स्विमिंग में देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिली। तो यहाँ पर भी गैप अप ओपन हुआ और स्टेन नहीं कर पाया ऊपर, तो यहाँ पर भी फिलहाल को ट्रेंड नहीं बना सी दिन में उसी क्या ओपन हुआ पर सस्टेन नहीं किया था नीचे आ गया तो इसमें कोई ट्रेंड नहीं बना। अगला था परसिस्टेंट में भी सपोर्ट वैल्यू के ऊपर टिक नहीं पाया तो उसमें भी आज को ट्रेड नहीं बना, अपने स्विंग वैल्यू को भी टेस्ट करने नहीं जा पाया जो कि 338 का लेवल था तो इसमें फिलहाल कोई ट्रेंड नहीं बना। लास्ट था सुंदरम फास्टर्स, यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड मिला गठन ऊपर हुआ बट हमने जहाँ पे एक बार देखा कि स्विंग को ब्रेक कर रहा है तो वहीं से हमने एंट्री की क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सेलर्स नहीं थे, नेट सेलर्स बिल्कुल नहीं थे तो हमने यहाँ पे एंट्री की तो यहाँ पर जाके एग्जिट किया तो एक अच्छा मूवमेंट मिला हमें यहाँ पे। तो आज के दिन हमें तीन स्टॉक्स में एंट्री मिली इसी तरीके से जहाँ पर लोगों ने लेवल टू लेवल प्ले किया होगा तो ट्रेड बिल्कुल ली होंगे। एस आज के दिन में यदि ट्रेड नहीं लिया तो बहुत अच्छा किया, यू आर गोइंग टेकिंग योर सेल्फ टू अ गुड ट्रेड अप जो अपॉर्चुनिटीज होंगे कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेता है। ऑलराइट, तो ये थी आज की परफॉर्मेंस निफ्टी के और आज के लिए जो 6 स्टॉक्स थे उनमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कल भी बताएंगे कुछ स्टॉक्स जिसमें हम कुछ ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी दिख रही है जिनमें हम कंफर्मेशन से ट्रेड लेंगे और निफ्टी के लेवल्स। ऑलराइट, और ये सब एक नई वीक सीरीज में शुरू कर रहा हूँ क्योंकि फॉरेस्ट में भी वर्क हो रहा है तो फॉरेस्ट की भी मैं वीडियो बना करके शेयर करूँगा और फॉरेस्ट के लिए भी आप यदि एनरोल करना चाहें मेरे थ्रू तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है फॉरेस्ट में भी। एंड डोंट वरी, यस इट इज़ वेरी 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 वॉलेटाइल बट यस सेफ साइड पर भी ट्रेड होता है LTU, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू एनरोल फॉर द कोर्स। तो चलिए मिलते अगले वीडियो में, टिल देन कीप ट्रेडिंग, कीप अपॉर्चुनिटी। जय हिंद, वंदे मातरम। एंड यस, सो फर्स्ट।